हाय गाइस, व्लॉग थोड़ा लेट है लेकिन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। ये मैं अभी इसमें बात ही करने वाली हूँ। इस साल इंडिपेंडेंस डे मनाने का जो हमेशा एक्साइटमेंट रहती है वो थी नहीं इतनी, और मैं व्लॉग भी इसीलिए लेट डाली क्योंकि वी वर ऑल शॉक। जो भी कोलकाता का जो रेप केस हुआ है हम उसके बारे में आज बात करेंगे। बात क्या करेंगे, बात करने की हिम्मत ही नहीं हो रही इसके बारे में कि हम एक तरफ अपनी आज़ादी का जश्न मना रहे हैं और क्या लड़कियां सच में आज़ाद है टू फील इंडिपेंडेंट, एंड जो इंडिपेंडेंट जो कॉन्सेप्ट हम बोलते हैं क्या लड़कियां उसके लिए समाज के द्वारा पात्र ठहराई जा रही है कि नहीं जा रही है। क्योंकि जो ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं, दिस इज़ नॉट अ इंसिडेंट, ये क्या इसको क्या बोले, जो चीज़ यहाँ पे हुई है जैसे हुई है जिस तरह से और बेदर्दी से भयानक तरीके से जो किया हुआ है इसको क्या करें। ये मानसिक रूप से तो बहुत ही दहलाने वाली चीज़ है, और जिस लड़की के साथ हुआ क्या चीज़ों से किस इमोशन से वो गुजरी होगी वो तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, ना उसका कंपैरिजन किसी चीज़ के साथ कर सकते, वो वही जाने। और उसके पेरेंट्स यार, जिसके जिनके बच्चे के साथ ये हुआ है, और यहाँ पे हम हमेशा कहते हैं कि हमेशा लड़की की गलती है। हम कितना भी इंडिपेंडेंट डे मना ले, इंडिपेंडेंस ही और ये एक वुमन पावर एम्पावरमेंट एंड जो भी करें, मेरे लफ्ज़ भी ऐसे थर थर आ रहे हैं बात करने में क्योंकि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या बात करनी चाहिए। जैसे भी है, क्या बोले, मतलब ये कौन दरिंदे हैं, कौन क्या, ये बहुत, ये लोग हमको हर जगह मिलते हैं। हम लड़कियां बहुत जगह पे इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, और मैं तो दोनों चीज़ें करके देखी हूँ। मैंने हमेशा इनका सामना करके भी देखा है, फिर भी हम ही हर्ट होते हैं बाय एंड ऑफ द डे। सामना करे या चुप रहे, चुप रहे तो वो अंदर ही अंदर हमें खाते खाते खाए जाता है, वो चीज़ जो है वो ट्रॉमा हमारे साथ हमेशा रहता है। और अगर हम सामना करें तो सामना करने के बाद जो सवाल जवाब होते हैं ऐसे तरीके से पूछे जाते हैं हमसे कि खुद को ही शर्म आती है कि सामने वाले ने गलती की है, और उसके बारे में बताने में हमें शर्मिंदगी जो दी जाती है ना, जिस तरीके से हमें सच में सोचना चाहिए कि सच में आज की लड़की इंडिपेंडेंट है क्या, वो फ्री है टू फील इंडिपेंडेंट, टू फील इंडिपेंडेंट एंड बी इंडिपेंडेंट। और ऐसे लोगों के साथ सीरियसली, मतलब हम कहते कानून तो हमें नहीं समझ में आता है, लेकिन अगर हो सकता है तो सिर्फ ऐसा सख्त कानून इन चीज़ों के लिए बनना चाहिए कि किसी की हिम्मत ना हो। क्योंकि एजुकेट तो हम अपने बच्चों को कर नहीं रहे हैं ना, हम लड़कियों को सिखा रहे हैं कि कैसे करना है क्या करना है, लेकिन लड़कों को भी सिखाना ज़रूरी है कि क्या चीज़ है, कब करनी है, कैसे करनी है, कौन सा थॉट। एक होता है लेकिन उसके पर्सपेक्टिव अलग होते हैं, एक अच्छा पर्सपेक्टिव होता है, बुरा पर्सपेक्टिव, दोनों पर्सपेक्टिव से रूबरू करना बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अभी बोल नहीं पा रही हूँ कि हमें क्या करना नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए, लेकिन मेरे पास बहुत सारे थॉट्स हैं क्योंकि मैं बहुत सारे ट्रॉमा से गुजर चुकी हूँ ऐसे। और मैं जब भी ऐसी चीज़ें सुनती हूँ मैं मेरे पैरों के नीचे से जमीन से लगती है क्योंकि मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ। मैं वो किसी को कभी बताती हूँ नहीं, कभी बोलती हूँ नहीं, लेकिन बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ। तब मुझे को क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है नहीं समझ में आता है। लेकिन जब मैं अकेले बैठती हूँ तो मेरे पास बहुत सारे थॉट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, बहुत सारे मुद्दे होते हैं रखने के लिए। मुझे लगता है उन मुद्दों को मुझे नोट डाउन करना चाहिए, कभी इस पे बैठ के बात करेंगे कि मैं इन चीज़ों के बारे में क्या सोचती हूँ। अभी जितना भी मैंने बोला है ना मुझे याद नहीं है, मैंने कुछ सोच समझ के नहीं बोला है, आई एम जस्ट इन टू दैट इमोशन। जो अगर मतलब एंगर हो वो, मतलब उस बंदी बच्ची के लिए, जो बंदी के लिए यार क्या बोले, मतलब इतना गंदा, सोच के भी मुझे 2-3 दिन से नींद नहीं आ रही कि इतना गंदा
कैसे कोई बिहेव कर सकता है। और इतनी दरिंदगी, इतनी क्रूरता। एक होती है कि गलती, कि उसने गलत किया, लेकिन गलत को भी कितने खराब तरीके से गलत किया। मतलब थोड़ा भी इमोशन नहीं, थोड़ी फीलिंग, कोई फीलिंग नहीं है। कैसे सच में हम आजकल अपने बच्चों, मुझे तो ऐसा लगता है जब कभी मेरा जनरेशन आएगा कि मैं कैसे क्या बोलूँगी, क्या किसको सिखाना है, कैसे सिखाना है। लगता है हम सबको ही मिलजुल के इस चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। उसको बस एक बार ये मिल जाए यार, न्याय मिल जाए, तो बड़ी मेहरबानी होगी सरकार की। और चलो गाइस बाय। कुछ बोलने का मन नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोलना है। मुझे ये भी नहीं पता अभी मैंने क्या बोला है, कैसे बोला है। तो किसी चीज़ को गलत मत समझना, ये होता है इमोशंस में, आप जब होते हो ना कुछ सोचता है नहीं। तो इस इंडिपेंडेंस डे पे मैं कुछ एक्साइटमेंट तो थी नहीं, लेकिन मेरे नेबर की बच्ची है, मैंने सोचा उसको एक बार घुमा के लेके आते। तो मैं उसको लेके गई थी बाहर शनिवार वाड़ा पे, वहाँ पे गए थे, लेट हुआ था लेकिन गए थे। उसको भी थोड़ा पता चला कि कैसे होता है, क्या होता है। तो क्योंकि उसके स्कूल में था नहीं, वो अभी शायद नर्सरी में है। तो बस हम गए थे, आए, आते वक्त हमको दगड़ूशेठ गणपति जो है वो मिले। वहाँ पे हमने आते आते दर्शन किए, वहाँ पे रुके 15 मिनट, थोड़ी सी प्रेयर की, थोड़ा सा माइंड को शांत किया, और उसके बाद हम रिटर्न घर आए। कुछ ज़्यादा किया नहीं इस दिन पे। मिलते हैं और होप करते हैं, आप लोग भी सब प्रे करना कि हम इस ऐसे घिनौने कृत्य के लिए हमारे देश में कुछ अच्छा सॉलिड कानून बन जाए, और ऐसे ये जो नराधमी है यार, ऐसे लोगों के लिए सख्त कानून बन जाए, और कोई करने ऐसी चीज़ करने का सोचे भी ना। और हमें शिक्षा मिलनी, हमारे लड़कों को, बच्चों को शिक्षा मिलनी बहुत ज़रूरी है। शिक्षा कौन सी जो सिखाए कि लड़कियों से कैसे बिहेव करना है, और ह्यूमैनिटी क्या होती है इन